साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट, विरोध रोकने के लिए सेंसिटिव एरिया में 3 जोन बने। देश को मिला नया सीडीएस जनरल बिपिन रावत, की मौत के 9 महीने बाद ले जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 बार खड़ी बसों में हुए रहस्यमयी धमाके, जांच में जुटी एजेंसियां। पार्थ अर्पिता पर नए खुलासे, ममता के पूर्व मंत्री ने पत्नी के शेयर अर्पिता के नाम किए, थाईलैंड घुमाया। अंकिता के परिवार को मुआवजा देने पर कुमार विश्वास खफा, बोले जनता के पैसे से मदद क्यों। औरैया में महिला का यमुना नदी में हाथ पैर बंधा हुआ मिला शव, ग्रामीणों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। कानपुर देहात का लाचार जिला प्रशासन, पोस्टमार्टम के बाद वाहन न मिलने से शव को हाथों में ले जाते दिखे परिजन। देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे वरिष्ठ वकील आर वेक्टर मानी, 1 अक्टूबर से पद संभालेंगे, कार्यकाल 3 साल का होगा। नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, आधा दर्जन दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। अलीगढ़ में धूमधाम से निकाली गई राम की बारात, पुलिस की निगरानी में निकली बारात। नाटो की रिपोर्ट में खुलासा, मादक पदार्थ की हेराफेरी में संलिप्त है पाकिस्तानी सेना और तालिबान। फ्लोरिडा में इयान तूफान से तबाही, 8.5 लाख घरों की बिजली गुल, भारी बारिश से प्रवासियों में यूक्रेन में रूस करा रहा फर्जी जनपद संग्रह, लोग बोले बंदूक की नोक पर कराई वोटिंग, 20% यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में है पुतिन। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ईरान ने दागी मिसाइल, 13 की मौत, 58 घायल। पाकिस्तान को बाढ़ से हुआ $28 अरब का नुकसान, 5% हुआ गरीबी में इजाफा। भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया, सूर्य कुमार यादव ने 151 के स्ट्राइक रेट में 33 गेंद में बनाए 50 रन। रायपुर के मैदान पर सचिन और होने लगी बारिश, तेंदुलकर की कप्तानी से इंडिया लीजेंड्स का पहला सेमीफाइनल, बारिश ने रोका मैच। आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्या की चमक, नंबर 2 पर पहुंचा भारतीय बल्लेबाज, विराट कोहली को भी नए पायदान का फायदा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उमेश अय्यर को मौका, हार्दिक और भुवी को रेस्ट, आज के T20 में हर्षदीप की वापसी हो सकती है। सिर्फ 11 सेकंड में हर्षदीप का कहर, रणबीर कपूर ने दिया फैंस को सरप्राइज, घर के बाहर लगी थी भीड़, बर्थडे पर की मुलाकात, केक भी काटा। नेहा कक्कर ने शेयर किया खूबसूरत वीडियो, क्रिकेटर युवराज चहल की पत्नी धनश्री वर्मा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश। श्वेता तिवारी ने शेयर किया फनी वीडियो, सेट पर पलक के साथ मस्ती करती दिखी, फैंस को पसंद आई मां बेटी की बॉन्डिंग।
शादी के लिए रवाना हुए रिचा और अली, 4 अक्टूबर को लेंगे साथ फेरे। विदेश में विवादों में घिरी पोनियन सेल्वन, एक कनाडा के थिएटर मालिकों को मिली धमकियां। मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।